चलिए समय हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर का, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त दुष्कर्म पीड़िता की चाची के शव का अंतिम संस्कार को लेकर प्रक्रिया चल रही है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार से मांग की गई थी कि चाचा को छोड़ दिया जाए, इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है और शव को शुक्लागंज गंगा घाट ले जाया गया था, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की चाची के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए चाचा को 12 घंटे की पैरोल दी थी। पुलिस सीधे रायबरेली जेल से चाचा को लेकर सीधे शुक्लागंज के गंगा घाट पहुंची थी और अंतिम संस्कार के बाद चाचा को फिर से रायबरेली जेल भेज दिया जाएगा। इस वक्त पूरा माहौल बेहद गमगीन नजर आया और साथ साथ पीड़िता का परिवार, क्योंकि पीड़िता भी इस वक्त काफी गंभीर हालत में है। लेकिन आपको बता दें कि अंतिम संस्कार करने के लिए घर में कोई पुरुष ना होने की वजह से रायबरेली जेल में बंद उनके चाचा यानी जिस महिला की मृत्यु हुई है उनके पति महेश किशोर के चाचा ने डीएम से पैरोल मांगी थी, तो विचाराधीन बंदी होने के कारण डीएम ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का बता दिया था। इसके बाद चाचा के अधिवक्ता अर्जेंद्र अवस्थी ने लखनऊ हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था और इसके बाद ही पैरोल मिल सकी है। सुबह से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी और लोगों का आने का सिलसिला चलता रहा। मंगलवार के सुबह से ही पीड़िता की नानी और मामा घर पहुंच गए थे। घर पे भारी फोर्स देखकर नानी और मामा डरे हुए असहज नजर आ रहे थे। अब उन्हें लग रहा है जाने किस और मुसीबत से गुजरना अभी बाकी है।